नमस्कार। साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होती है, छोटे कार्यकर्ता की अपनी भूमिका होती है, बड़े नेता की अपनी भूमिका होती है, लेकिन एक भूमिका जो जिलों में अधिकारी होते हैं, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, एडीएम हो, उसकी अपनी एक भूमिका होती है। लेकिन चुनाव के वक्त अक्सर इन अधिकारियों पर उंगली उठती नजर आती है। आखिर क्या कारण है कि ऐसे वक्त अधिकारियों की भूमिका चूंकि बहुत सक्रिय हो जाती है और ऐसे ही वक्त इन पर उंगलियां उठती हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रवक्ता आशीष तिवारी जी। आशीष जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में नीलाभ शुक्ला जी मौजूद हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नीलाभ जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं प्रोफेसर संजीव वैद जी जो आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। शुरुआत आशीष जी आपसे करना चाहेंगे। आशीष जी, आवाज आ रही है आप तक? आशीष जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। नीलाभ जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। क्या लगता है, आशीष जी शायद जुड़ गए? आशीष जी, आवाज आ पा रही है आप तक? जी सर, जी जी आशीष जी, क्या कारण है कि चुनाव के वक्त कलेक्टर और कमिश्नर पर और एडीएम पर, या यूं कहें कि अधिकारियों पर उंगली उठती है इस बात को लेकर कि वो नेतृत्व जो सत्ता पक्ष है उसके निर्देश पर काम करते हैं और उनके तहत काम करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में एक व्यवस्था है कि सरकार के अपने एक दायित्व हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के अपने एक दायित्व हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, जो उसे दायित्व उस भूमिका के समय मिला है, चुनाव के समय वो चुनाव की भूमिका में होता है, और साथ ही साथ जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद उसको एक प्रशासनिक दायित्व होता है कि सरकार की योजनाओं को वो जनता के बीच में प्रभावी तरीके से लागू कराए, और लागू कराने के बाद उसका परिणाम भी दिखना चाहिए, क्योंकि हर एक सरकार की मंशा होती है कि उसकी सरकार में अच्छे काम हो। तो स्वाभाविक अच्छे काम करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के कारण ही वह अच्छे काम सफल हो पाते हैं। परंतु जब चुनाव का समय आता है तो चुनाव के समय उसकी एक विशेष जिम्मेदारी हो जाती है, और उस जिम्मेदारी का पालन प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को करना चाहिए। जी नीलाभ जी, कमलनाथ जी कहते हैं कि जो अधिकारी हैं वो इशारों पर काम करते हैं, और क्या ऐसा कोई वाकया हुआ? आप क्यों कहती है, विपक्ष और कांग्रेस क्यों ऐसा कहती है कि जो अधिकारी हैं वो भाजपा के इशारे पर, सरकार के इशारे पर काम करते हैं? देखिए, क्या है, अधिकारी को दलीय निष्पक्ष होना चाहिए। अधिकारी को दल का नहीं होता, उसे दलीय निष्पक्षता से काम करें। लेकिन अभी भाजपा की सरकार में ये अक्सर होता आ रहा है कि भाजपा के इशारे पर अधिकारी काम कर रहा है। देखिए, अब अपने ये रीवा अपने पन्ना कलेक्टर की बात ही करें, मिश्रा जी की, जो सार्वजनिक रूप से मंच पर बोल रही है अगले 25 साल तक भाजपा की सरकार रहेगी, आप भाजपा को ही समर्थन दीजिए, कुछ मत सोचिए। कहीं ना कहीं इसे किसी किसी का प्रेशर था, पर भारतीय जनता पार्टी को इसी गलत लगती, क्यों नहीं उस कलेक्टर को सस्पेंड किया गया, क्यों नहीं कार्रवाई की गई? अगर यही कलेक्टर मान लीजिए कांग्रेस के बारे में इस तरह से बोलता तो क्या इसे बख्शते? नहीं बख्शते, बड़ा सवाल है। अगर कांग्रेस किस तरह प्रचार करते तो अभी तक तो आकार मच चुका होता, कलेक्टर को सस्पेंड कर दिया जाता। लेकिन नहीं, चूंकि भाजपा की तारीफ कर रहे थे तो चुपचाप बैठे, इनको साफ सुन गया। कहीं ना कहीं इसके पीछे इनका हाथ है, इनका वृहद हस्त है। देखिए, हमने नगरीय निकाय चुनाव में भी देखा किस तरह सरकारी मशीनरी, उज्जैन का चुनाव भी देख ले आप, किस तरह हार को जीत में तब्दीली कर रहे थे, और लगातार सरकारी अधिकारी कहीं ना कहीं प्रमोशन के लालच में या लाभ की जगह पर जाने के लालच में या कहीं ना कहीं अन्य लालच में लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं और एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी गलत नहीं कर रहे, जो दिख रहा है वो कहना है। लगातार हमारे पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, गलत। एक तरह का सरकारी मशीनरी भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है, ये सबसे बड़ा, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते इसमें, जब सरकार के साथ सरकारी अधिकारी मिल जाएंगे तो कहां निष्पक्ष चुनाव होंगे? सीधे भारतीय जनता पार्टी सरकारी अधिकारी का दुरुपयोग नहीं करती। देखिए, जब सरकारी अधिकारी का आप दुरुपयोग करते हैं, उनसे आप बेजा काम करवाते हैं, तो आप कहीं भी उनके भ्रष्टाचार पर उंगली नहीं उठा सकते, उन्हें कहीं नहीं रोक सकते, उन्हें आपका प्रश्न मिल गया है। अगर वो अधिकारी भ्रष्टाचार करता तो आप उसकी उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि वो भी आपके लिए वो भी गलत काम कर रहा है, तो आप उस पर कैसे उंगली उठाएंगे, कैसे उसका भ्रष्टाचार रोकेंगे? इस तरह पूरे सिस्टम में ये खराबी आ रही है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है, जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एक व्यक्ति गलती करता है और उसका खामियाजा सारे अधिकारी को भुगतना पड़ता है? पन्ना के कलेक्टर की आपने जिक्र किया, उन्होंने निश्चित रूप से ये कहते हुए वो मिले कि भाजपा की सरकार है। चलिए, इस वक्त चूंकि संजीव जी हमारे साथ में हैं, आप प्रोफेसर भी हैं और इस विषय पर, राजनीतिक विज्ञान पर गहरी समझ भी रखते हैं, संजीव जी, क्या आशीष जी आपका हम वीडियो शायद देख नहीं पा रहे हैं, एक बार ऑन कर लीजिएगा। संजीव जी, क्या कारण है कि प्रशासनिक अधिकारियों पर उंगली उठती है, और खासतौर पर उस वक्त जब चुनाव होते हैं, क्योंकि वो बहुत सक्रिय होते हैं, तो आपको लगता है कि उस मशीनरी के तहत उन्हें मशीनरी में काम करना होता है,
ऐसे में क्या कारण, क्या लगता है आपको, तटस्थ रूप से आपकी क्या राय? जी देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो बना था, उसने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कुछ सिद्धांत निश्चित किए थे। उसमें एक सिद्धांत निष्पक्षता का भी था, लेकिन निष्पक्षता से तात्पर्य यही है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है, को नरक हुई हमें कहानी। कोई भी राजा हो, हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, हमें निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। और संथानम समिति की सिफारिश पर सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 बना था। उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि अच्छा प्रशासनिक आचरण वह है जो संविधान, कानून और सरकार की नीतियों का पालन करे। अब यही पर गड़बड़ हो जाती है, संविधान का पालन, कानून का पालन तो ठीक है, उसमें एक शब्द और जुड़ा हो, सरकार की नीतियों का पालन करे। तो हमारा अधिकारी कब सरकार की नीति का पालन करते करते कब दल की नीति का पालन करने लगता है, उसको खुद भी एहसास नहीं होता है। तो बीच में एक महीन से रेखा है कि सरकार की नीतियों का पालन करने के लिए आपका चयन किया गया, आपकी नियुक्ति की गई है, लेकिन यदि आप सरकार की बजाय दल की नीतियों का पालन करने लगते हैं और दल की प्रशंसा करने लगते हैं, तो ये तो प्रशासनिक आचार संहिता का घोर उल्लंघन माना जाएगा। तो बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारी को राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार के दबाव में आ जाता है, सरकार ना कहकर के दल के दबाव में आ जाता है, और दल की प्रशंसा कर बैठता है, दल की नीति के अनुसार अपने प्रशासनिक निर्णय क्रियान्वित करने लगता है। तो निस्संदेह गलत है पन्ना कलेक्टर का जो आचरण था, कि आप स्पष्ट तौर पर उन्होंने राजनीतिक पार्टी की प्रशंसा है, सरकार की प्रशंसा करते अच्छी बात है, सरकार की नीतियों की प्रशंसा करना अधिकारी करते हैं क्योंकि उनका पालन उन्हीं को करवाना है, लेकिन उन्होंने दल की नीतियों की प्रशंसा कर दी, तो महीन से रेखा है। तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि आप सरकार की नीतियों का पालन कर रहे हैं कि दल की नीतियों का पालन कर रहे हैं, ये समझ यदि हमारे प्रशासनिक अधिकारी के भीतर विकसित हो जाए। लेकिन ये भी देखा गया है कि जिन्होंने दल की नीतियों का पालन किया है उनको तो वरद हक मिल गया है, लेकिन जिन्होंने सरकार की नीतियों का पालन किया उनको हटाया भी गया है। पन्ना कलेक्टर का नीलाम भाई ने उदाहरण दिया है, मैं निवाड़ी कलेक्टर की बात करना चाहूंगा, जिन्होंने सरकार की नीतियों का पालन किया लेकिन उन्हें भरे मंच से हटा दिया गया। तो कई बार इस चक्कर में वो बोलते ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो बेचारे ईमानदार जो अधिकारी होते हैं वो भी पिस जाते हैं, वो भी बाहर हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जी संजीव जी, संजीव जी एक सवाल आपसे और उठता है, आपसे बातचीत करना चाहेंगे हम, कि क्या आपको लगता है बहुत ईमानदारी से कि प्रशासनिक मशीनरी में रहते हुए जो अधिकारी होते हैं वो निष्पक्ष रूप से काम कर पाते हैं, कर सकते हैं, क्या ये संभव है कि वो उस मशीनरी में रहते हुए एक तटस्थ रूप से काम कर पाए? देखिए, मैं द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारियों की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी होते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये तीन नोटिफाइड है ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में, इनके पास इतनी पावर होती है, ये निष्पक्षता के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो रूल बुक होती है, इनके जो हटाने की जो प्रक्रिया होती है, उस पर सरकार का भी नियंत्रण नहीं होता, उससे यूपीएससी से कंट्रोल में होते हैं वो। तो इनके पास इतने पावर, इनकी शक्तियां इनको दी गई हैं संविधान के द्वारा कि ये निष्पक्षता से काम कर सकते हैं अगर ये चाहें तो। लेकिन अगर मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी दल के प्रति प्रतिबद्धता का भाव छुपा है, लाभ कमाने की भावना छुपी हुई है, तो वो चीज जो है निष्पक्षता को प्रभावित कर जाती है। और इस चीज से आज के समय में कोई जी 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 बोलिए बोलिए जी जी तो कहीं ना कहीं अगर लाभ कमाने की कोई भावना छुपी है, अच्छी पोस्टिंग, मलाईदार पोस्टिंग, क्रीमी पोस्टिंग, तो उनकी निष्पक्षता प्रभावित हो जाती है। लेकिन उनके पास कोई नृप होए हमें कहानी, हमें तो लाभ ही लाभ है, हानि हानि कहा है। आशीष जी, जो जो आरोप है, जो पन्ना कलेक्टर की बात आपने जिक्र किया, नीलाब जी ने भी जिक्र किया और संजीव जी ने भी जिक्र किया, आपको लगता है कि ये एक ऐसा आचरण है जिस पर वाकई सवाल उठता है? देखिए, मेरा ये कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए और उनकी अपनी एक मर्यादा होना चाहिए, उस मर्यादा में काम करना चाहिए, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा भी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार एक ही बात पे काम कर रही है कि जनता के लिए हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं, इस पर आप काम करिए। और साथ ही साथ अभी जैसे हमारी विकास यात्राएं चल रही हैं, तो हम विकास यात्रा में भी यही काम कर रहे हैं कि जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, मौके पर अधिकारी होते हैं, और जो सरकार की मंशा है कि कोई भी अगर यदि हमारा काम बकाया रह गया है तो वह भी पूरा हो जाए, हमने जो काम किए वह उपलब्धियां भी जनता के बीच में पहुंचे। तो हमारा जो ध्येय है वो बहुत ही स्पष्ट है कि हम जो हमारी सरकार काम कर रही है वह काम जनता के बीच में पहुंचे। परंतु ऐसे कई विसंगतियां होती हैं और ऐसी कई बातें सामने आती हैं जिनके कारण कई बार कार्यक्रम प्रभावित होते हैं,
परंतु मैं यही कहूंगा कि प्रशासनिक अधिकारियों को अपने दायित्व का पालन करते हुए अपने काम को करना चाहिए। तिवारी जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। तिवारी जी मुझे ये बताइए, ये जो विकास यात्रा निकल रही है, भाजपा की विकास यात्रा है कि सरकार की विकास यात्रा है? ये भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार की विकास यात्रा है, और निश्चित तौर विकास यात्रा चूंकि सरकार की है तो हमारे कार्यकर्ता भी उस यात्रा में होते हैं और वह साथ में सहयोग करते हैं जनता के बीच में, क्योंकि जनता के बीच में सबसे ज्यादा समय यदि बिताने वाला कोई होता है तो हमारा कार्यकर्ता होता है। जो बूथ की कोई समस्याएं होती हैं, बूथ पर रहने वाले लोगों की समस्याएं होती है, उनको प्रशासनिक स्तर पर जो मुद्दे हैं उनको जनता के माध्यम सरकार के माध्यम से पहुंचाना, अधिकारियों के पास तक पहुंच जाए, इसकी चिंता करने का काम हमारे। आपकी विकास यात्रा बिल्कुल सरकार की विकास यात्रा नहीं लग रही है, भाजपा की विकास यात्रा लग रही है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर सरकार की विकास यात्रा होती उसमें आप प्रशासनिक अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाते तो अच्छी बात थी, उसमें कोई उल्लंघन वाली बात नहीं है। लेकिन एक दल विशेष की विकास यात्रा है और उसमें अगर आप प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत बात है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है, मिसयूज है सर। ये जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच से पार्षद भी चुन के आया है तो वह भी है, ऐसे सारे लोग पंचायत के सरपंच लोग हैं, ऐसे सारे लोग इस यात्रा में काम कर रहे हैं, तो सबका जो ध्येय वाक्य है केवल एक ही है कि हम जनता के बीच में पहुंचे और जनता की जो समस्या है उनका निराकरण हो जाए। क्योंकि ये बात सही है कि कई बार बहुत से ऐसे गरीब निर्धन लोग होते हैं जो प्रशासनिक अधिकारियों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, ऐसी बहुत से उदाहरण आते हैं। तो इन यात्रा के माध्यम से जब मौके पर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं तो उस समय पे वह बातें निकल के आ जाती हैं और उनके हल हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों के काम हो जाते हैं, साथ ही साथ बहुत सी नई योजनाओं की शुरुआत भी हो जाती है, लगातार शिलान्यास हो रहे हैं और काम जो हमारे रुके हुए थे, यदि कोई काम रुका था किसी पंचायत में तो वह आगे बढ़ रहा है, उसका श्री गणेश हो रहा है। तो ये एक अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में, लगातार हम काम कर रहे हैं और सरकार को काम करना चाहिए। साथ ही साथ मैं विपक्ष को भी कहूंगा कि विपक्ष का भी एक दायित्व है, जब लोकतंत्र में हम होते हैं तो विपक्ष को भी अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, उसे भी जनता के बीच में काम करना चाहिए। भाई अगर सरकार की विकास संजीव जी आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। नीलाम जी, जो संजीव जी ने बात कही, जो आशीष जी ने उसका उत्तर भी दिया, क्या नीलाम जी आपको लगता है कि क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है, क्या सरकार को और उस पार्टी को अलग किया जा सकता है? क्या यह संभव है कि एक पार्टी सत्ता में है और वो सरकार का दायित्व तो अलग निभाए और पार्टी का दायित्व तो अलग निभाए? क्या यह संभव है? देखिए, सरकार का दायित्व तो अलग था, पार्टी का दायित्व तो अलग, जैसे विकास यात्रा ये पार्टी की यात्रा, उसमें सरकार कहीं लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा मैं विषयांतर कर दूंगा इसमें कि विकास यात्रा नहीं विनाश यात्रा है। मैंने देखा कि विकास यात्रा में मंत्री पर खुजली ऑर्डर डाला जा रहा है तो आप क्यों निकाल रहे हैं विकास यात्रा, जब आपको दिख रहा है कि आपने विकास नहीं किया, सब जगह विनाश हो रहा है, आपकी यात्राओं पर वो बेच के नारे लगाए जा रहे हैं, वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं, हर जगह आपकी फजीयत हो रही है, तो आप विकास यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? किसने आपको सलाह दी? बहरहाल प्रदेश के अंदर प्रदेश बहुत बड़ा होता है, प्रदेश में कई जगह मैं भी मान सकता हूँ कि कार्यकर्ता भी कई बार रुष्ट होते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके समस्याओं का भी निराकरण होता है और निराकरण होने के साथ साथ वह समस्याएं आगे के लिए भी समाप्त होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार की मंशा है कि जनता के लिए जो हमारी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक मिल जाए, उसके लिए अब आप उसमें सरकारी अधिकारी की ड्यूटी लगा रहे हैं, ये सबसे बड़ा कर रहे हैं, ये सरकारी सरकार का नहीं है, विपक्ष का है और कार्यकर्ताओं का भी है। जब सारे लोग समाज के लोग काम करेंगे जब का काम हो पाएगा, तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए, उसे भी अपने जनता के बीच में पहुंच के काम करना चाहिए। और कांग्रेस कहां काम जी जी बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, जो विकास यात्रा निकल रही है उसमें विधायक भी चूंकि पार्टिसिपेट कर रहा है, आशीष जी ने कहा कि पंचायत का सरपंच भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, अब जब सरपंच होगा विधायक होगा जिस जिले में निकलेगी तो उस जिले का जो प्रशासनिक ढांचा है उसे तो इन्वॉल्व करना ही होगा सिक्योरिटी के लिहाज से, क्या लगता है आपको, क्या इससे अलग किया जा सकता है? बिल्कुल अलग किया जा सकता है साहब, आप स्पष्ट तौर पर बताइए ना कि आप ये भाजपा की विकास यात्रा है, सरकार की विकास यात्रा होती तो इसमें दूसरे दल के लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि भाजपा की विकास यात्रा है इसलिए इसमें भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, वही लोग सब घूम रहे हैं सर।
जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पर वो विकास यात्रा में शामिल हो रहे हैं और अधिकारियों से समस्याओं का निराकरण करा रहे हैं। कई जगह पे मैंने देखा है कि पंच भी थे, एक दो जगह यात्रा में जो पंच थे वो अन्य राजनीतिक दल के थे, वो आए, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने मांग रखी, उस मांग को तत्काल स्थानीय विधायकों ने उस पे आगे बढ़ाया उस बात को, और वह समस्याएं हल हुई। तो ये तो जनता के बीच में काम करना है। लेकिन मेरा मानना है कि प्रशासनिक अधिकारियों के पास और भी बहुत सारे दायित्व होते हैं, आप उनको एक दल विशेष की सेवा करने में लगा दो ये तो गलत है। एक चयनित प्रशासनिक अधिकारी है, आप उसको दूसरे कार्य करने दीजिए, जनता की सेवा करने दीजिए। आप उसको मंत्रियों के आगे तीतर के जो आगे तीतर, तीतर के जो पीछे तीतर, पूरी प्रशासनिक मशीन भी मंत्रियों के आगे पीछे घूमने लगती है। जनता बेचारी कलेक्टर में परेशान होती रही, तो उनके काम कोई होते नहीं है। आप प्रशासनिक अधिकारी को अपने काम करने दीजिए। कर रहे हैं जी, लेकिन संजीव जी मुझे लगता है कि किसी भी प्रदेश में जिस सत्ता की सरकार, जिस पार्टी की सरकार है, हर पार्टी ऐसा करती है, और शायद उसकी मजबूरी भी है क्योंकि उसके बिना संभव ही नहीं हो पाएगा। आप कैसे सरकार को पार्टी को अलग करेंगे, आप क्या कहेंगे? आप विधायक और जो जो पार्षद हैं, क्या वो पार्टी के नहीं है, वो सरकार के हैं? तो आप कैसे अलग करेंगे पार्टी और सरकार को, हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं? क्योंकि आप तो प्रोफेसर हैं, शायद मुझे लगता है बेहतर बता पाएंगे। जी बिल्कुल, अलग अलग किया जा सकता है। सरकार की जब भी बात की जाती है तो उसमें सिर्फ वो पार्टी ही शामिल नहीं होती है, पूरा का पूरा विपक्ष भी उसमें शामिल होता है, तो मशीनरी भी शामिल होती है, जनता भी शामिल होती है। लेकिन जब किसी पार्टी की यात्रा होती है तो उसमें पार्टी के लोग नजर आते हैं। तो मुझे लग नहीं रहा कि ये कहीं पर भी कोई सरकार की विकास यात्रा, कहीं से कहीं तक मैंने खुद विकास यात्रा को देखा था, शामिल तो नहीं हुआ, दूर से खड़े होकर के अवलोकन जरूर किया, लेकिन मुझे सरकार की विकास यात्रा बिल्कुल नजर नहीं आई। हाँ, सरकार की विकास यात्रा होती तो बिल्कुल आप प्रशासनिक अधिकारी को उपयोग कीजिए। और राजनीतिक स्वच्छता का पालन हिंदुस्तान में पहले किया गया है, लाल बहादुर शास्त्री जी अपने किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में उस क्षेत्र के कलेक्टर एसपी को स्पष्ट निर्देश दे देते थे कि आपको मेरे आगे पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं, आप अपने ऑफिस में बैठ के अपना काम कीजिए, मैं प्रधान सेवक हूं, प्रधानमंत्री, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, राजीव गांधी जी ने इस परंपरा का पालन किया है। लेकिन अब जो है, किसी क्षेत्र का छोटा सा मंत्री भी अगर कहीं जिले में जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे चारों तरफ जो है पूरा प्रशासनिक अमला मेरे चारों तरफ घूमे। एक राजशाही का जो भाव उसके भीतर जो आ गया ना, लोकतांत्रिक नेता से अब राजतंत्रात्मक नेता में जो कन्वर्ट हुआ है, तो ऐसे मुझे लगता है कि यहाँ आप किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, आप हर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी पार्टी होती है हर मंत्री ये चाहता है, हर मंत्री ये चाहता है। सर ये बात बिल्कुल सही है, तो ये उसको इस प्रकार के महिमा मंडन से, लोभ महोत्सव को बचना पड़ेगा। जी दिलाप जी, बात जो है संजीव जी ने कही कि अधिकारी जो है वो प्रशासनिक ढांचे के तहत काम करना शुरू कर देते हैं, मंत्रियों के निर्देश पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन वो क्या करे जब पार्टी बदलती है तो उन अधिकारियों का तुरंत तबादला भी किया जाता है जो उनके पक्ष में नहीं थे। कमलनाथ जी खुद कह रहे हैं कि हम, मुझे, मेरे पास जो है, हमको पता है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं, और उन्होंने पहले भी कहा था कि हमें पता है कि कौन कौन जो है भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार हमारी भी आएगी, ये भी बात उन्होंने कही। तो अधिकारी आखिर करे क्या, किस तरह से काम करे? देखिए, जो ईमानदार अधिकारी, जिसमें हमारे आप भाई के मित्र ने कहा था, जो ईमानदार अधिकारी, भले छोटा या बड़ा, अगर आदमी अधिकारी ईमानदार तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। पर अधिकारी ईमानदार नहीं है, भ्रष्ट और किसी दल विशेष का साथ दे रहा है किसी भी तरह से, तो उसके साथ ये चीजें होना अवश्यंभावी है। तो कहने की वो किसी राजनीतिक पार्टी का साथ दे रहा है, जो विकास यात्रा है, भाजपा की सिद्ध रूप से प्रचार यात्रा है, ये अपनी पीठ थपथपाने की यात्रा है, इसमें सरकार दे रहा क्या काम है? आपको लगता है जनता के बीच जा रहा है, जनता समस्या बताए, तब अधिकारी को तलब कीजिए, ये काम हुए नहीं है। आप अधिकारियों को साथ लेकर घूम रहे हैं, अधिकारी उसके पहले ही विकास यात्रा की तैयारियां कर रहे हैं, लिपा पोती कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, भवनों की पुताई कर रहे हैं, एक मंच सजा रहे हैं, तो ये तो आपके एजेंट के रूप में काम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आप, मैं पन्ना कलेक्टर की बात ही करो, जब हमारे भाजपा के मित्र ने कहा कि पन्ना कलेक्टर ने गलत किया, तो आप मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर एक्शन लिया, सरकार ने क्या एक्शन लिया उन पर? इतने दिन होगा उनका भाषण हुए, कोई एक्शन लिया आपने, सस्पेंड किया उनको, उन पर कोई शो का नोटिस जारी किया? नहीं किया। कहने का आपका प्रश्न है, आपके शेप है अधिकारी काम करे, स्पष्ट होता है। अगर वो कांग्रेस के बारे में इस तरह का प्रचार करते तो अभी तक उसे आप सस्पेंड कर चुके होते, आकार मचा चुके होते, लेकिन नहीं, कहीं के अधिकारियों के पीछे आपने अपनी सरकार बना रखी, मंशा बना रखी है, उन अधिकारियों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे, उन्हें मोहरा बना रखा है। चूंकि चूंकि समय कम है, आशीष जी, जी आशीष से पूछना चाहूंगा, आशीष जी चुनाव चूंकि आने ही वाले हैं, क्या कार्यक्रम प्रणाली रहेगी भाजपा की? क्योंकि बात अधिकारियों की फिर से उठेगी, फिर से सवाल उठेंगे और विपक्ष तैयार होगा उन पर आरोप लगाने के लिए, क्या क्या कार्य प्रणाली होगी भाजपा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी
की जो सीधी और सीधी कार्य प्रणाली है कि वह अपने कार्य अपने द्वारा जो उनकी सरकार के द्वारा विकास के काम किए गए हैं उन्हीं विकास के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में पहुंचने वाले हैं और लगातार काम कर रहे हैं। अभी विकास यात्रा के माध्यम से काम कर रहे हैं और हम लगातार हमारा प्रयास रहता है कि हम जनता के बीच में लगातार पहुंचते रहें और काम करते रहें। क्योंकि एक और मैंने आपने जो चूंकि कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों का विषय कहा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को, चाहे वह किसी भी दायित्व में हो, किसी भी पद पर हो, उसे अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए और दायित्व के निर्वहन के साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिल सके इसके लिए प्रयास करना चाहिए और काम करना चाहिए। क्योंकि आप सबसे बातचीत हुई और विषय यही था कि अधिकारी आखिर कैसे काम करे ताकि उस पर आरोप न लगे, और बहुत अच्छी बात भी सामने आई कि वैधानिक विधान में जो है अधिकारियों के पास में ऐसे अधिकार होते हैं कि वो तटस्थ रूप से काम कर सकते हैं, खासतौर पर आईएएस और आईपीएस के पास में। हमें लगता है कि आने वाले चुनाव में ये जो वैधानिकी है, ये विधायक, ये जो विधान है, ये अधिकारियों में देखने को मिलेगा और किसी भी तरह का सवाल उठाने का जो सवाल है वो कांग्रेस के पास में नहीं होगा, कांग्रेस का विषय वो शायद नहीं रह पाएगा क्योंकि अधिकारी अपना तटस्थ रूप से काम कर रहे होंगे। आप हमसे जुड़े, बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।